नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी SSSC मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 मैराथन क्लास से चौथा है। दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बताए जाएंगे, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी से और सभी प्रश्न को एक साथ देखा जाए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। तो कौन सा है दोस्तों? अंडा जो है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप कौन सा है? यह ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं, शिशु के लिए सर्वाधिक उच्चतम महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है? तो यह दोस्तों आर्किडोनिक अम्ल जो होता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्न में से किस बजट का उद्देश्य होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किससे होता है दोस्तों? जेंडर बजटिंग से। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्य का सही क्रम क्या है? तो क्या सही क्रम है दोस्तों? धर्म, प्रजा एवं रति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेवा विवाह मैरिज बाई सर्विस का प्रचलन निम्न में से किस जनजातीय में पाया जाता है? तो यह दोस्तों पाया जाता है आपका बिरहोर जनजाति में पाया जाता है सेवा विवाह। सोरोरेट विवाह क्या है? सोरोरेट विवाह जो है आपका मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं क्या कहलाता है? वह कहलाता है पुनर्रचित परिवार, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों इसमें हो जाएगा इरावती। इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 पूछ रहा है संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिनियम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? तो कितने लिए दिया जाती है दोस्तों? 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 है, यह 1926 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? यह दोस्तों कहा जाता है प्रजननता दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? तो यह दोस्तों 5 स्तरों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अब चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत के अधिनियमित किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो है दोस्तों मुख्य लक्ष्य है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, इसमें कथन दिया है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है क्या सही है क्या गलत है। कथन दिया है आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात्य वर्ग को जन्म देती है। तर्क दिया है आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। अब इसमें पूछ रहा है क्या सही है क्या इसमें गलत है। देखिए दोस्तों इसमें दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या है, आर जो है ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, 16 में पूछ रहा है वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था? तो कौन सा आदर्श वाक्य था दोस्तों? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यह 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सती को में अवैध घोषित किया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों गरीबी रेखा जीवन मूल्यन आवश्यकता ये सब है, लेकिन डेविप्रेशन इंडेक्स जो है यह गरीबी से संबंधित नहीं है, मटेरियल डिप्रेशन भी है दोस्तों, ऑप्शन जिससे इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? पूछ रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो आपका सामाजिक के विदेश का विस्तार यही जो है। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 21 तो कौन सा देता है दोस्तों? प्रगति जो है वही है बल देता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, SC दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है?
तो कितने में किया गया है दोस्तों, 6 में किया है उन्होंने, एससी दुबे ने। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंडट्री ने किस अवधारणा का उपयोग किया था, तो किसका किया गया था दोस्तों, अवस्थिति निर्धनता का। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यवसन का प्रभाव नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, शिक्षा का विकास जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किराया जीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, किसने किया था, तो वी परेटो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं, दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो दहेज प्रथा के लैंगिक भेदभाव, लड़कियों का अविवाहित रहना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, यह सब सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 पे चलते हैं, 27वें पूछ रहा है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टेलकॉट पार्सन से द्वारा नहीं किया गया है, तो किसके द्वारा नहीं किया गया दोस्तों, सुरक्षादार यांत्रिकी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाएं बताई है, तो किसने बताया है दोस्तों, जी मिर्डल ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 29 पे, भारत में बहुयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी किया जाता है, तो कितने पे किया जाता है दोस्तों, 12 पर किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है, तो दोस्तों इनमें से तीनों पक्ष को करता है, समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं, 31 में पूछ रहा है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था, तो यह दोस्तों आपका जो है 1961 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ, तो दोस्तों इसमें से कौन सा हो सकता है, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों में। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही हैं, 33वां क्वेश्चन, तो कौन सा होगा दोस्तों, इसमें से व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, ये भी सही है, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, ये इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें दोस्तों होगा एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं, इसमें दिया परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो कौन कौन से कार्य होते हैं दोस्तों, आज का ऑप्शन जो है देखिए क्या होगा, सुरक्षात्मक कार्य, ये भी सही है, भावनात्मक और आर्थिक कार्य भी सही है, सामाजिक एवं शैक्षिक कार्य, ये भी सही है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं, के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, विटामिन ए का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं, निम्न में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है, पूछ रहा वायरल रोग कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए इन्फ्लुएंजा एड्स ये सब है, लेकिन ऑप्शन डी वाला जो है रिंडरपेस्ट यही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित की बात कर रहा है, तो डिप्थीरिया जो है जीवाणु जनित है, बाकी सब जो है ये वायरस वाले हैं दोस्तों। प्रगति का अर्थ क्या है, 39वां क्वेश्चन, प्रगति का अर्थ क्या है दोस्तों, प्रगति एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है, तो कौन सी करती है दोस्तों, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है यही सहायता करती है जीवाणुओं से लड़ने के लिए। काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है, पर्टुसिस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय का संकेत है, तो क्या है दोस्तों, यह हो जाएगा गर्भाशय का टूटना, ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक टोपिक गर्भावस्था कहा जाता है। भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवल्स बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंडाकार रग्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 हुआ, इसमें कह रहा है कि कौन से है, सिर का पिछला भाग, सिर का पिछला भाग, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह
गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं क्विकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं, HIV के ऊर्ध्वाधर संरक्षण के लिए जोखिम अधिक होता है तो क्या जोखिम होता है दोस्तों? इंट्रानेटल अवधि जिसको कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 48वां क्वेश्चन। तो किसने किया था दोस्तों? सिगमंड फ्रायड ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? तो मानसिक विकास के क्षमताओं को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या होती है? तो क्या होती है? संकुचित परिवार। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं, हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं? तो यह जो है दोस्तों, और 8 माने गए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो यह कौन सा नहीं सही है दोस्तों? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। देखिए, एड्स जो है HIV है, TB जो है माइकोबैक्टीरियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम है, लेकिन हैजा जो है इन्फ्लुएंजा से नहीं होता है, यही जो है गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं, 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंडजन कौन से दिन होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 53वां। तो 14वें दिन होता है, 1/2 देखा जाता है दोस्तों इसमें। 54 का क्वेश्चन देखते हैं, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है दोस्तों? यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं, तो 55 में दोस्तों क्या पूछ रहा है? बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? 2 से 3 वर्ष में, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बहुत कम समय बचा है इसलिए बहुत तेज़ी से आप लोग को रिवीजन कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं, अंडे के छिलके के संरक्षण आवरण निम्न है तो कौन कौन से हैं दोस्तों? क्यूटिकल जो होता है वही होता है। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किस उपलब्धता को अवरोधित करता है? क्वेश्चन नंबर 57 है, किसको करता है? लौह तत्व एवं कैल्शियम को करता है। फलों में पाई जाने वाली शर्करा को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं दोस्तों जिसको एक नज़र में देखते ही सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है और क्वेश्चन सही भी हो जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं, 61वां पूछ रहा है कि बियर में सुरासार मतलब एल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है? 3% मात्रा रहती है दोस्तों बियर में, 61वां का बी हो जाएगा। 60 में पूछ रहा है, प्राणिज भोज पदार्थ और वनस्पति भोज पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है कौन सा होता है? खनिज लवण होता है, वसा होता है, प्रोटीन यानी उपयुक्त सही होते हैं। खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं? तो किस में हो जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, तो निर्जलीकरण में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 62 पे चलते हैं, जैली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिनरेसिस कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिरके में पाया जाता है, देखिए दोस्तों यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं, 63 हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं हम लोग। 64 में पूछ रहा है, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? डिहाइड्रोफ्रिजिनेट कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? तो कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है दोस्तों कैल्शियम से? ऑस्टियोपोरोसिस होती है। एक शिशु को अस्तन्यमोच पदार्थ देने का शुरुआत करने की सही आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 66, तो यह 6 महीने में है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है तो क्या होता है दोस्तों? प्रार्थना गीत के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं दोस्तों, 68 में पूछ रहा है कि विकास का क्रम क्या है? तो विकास का क्रम जो होता है दोस्तों, सिर मुख गर्दन धड़ पैर, ऑप्शन सी हो जाएगा। हर लाख के अनुसार शैशवा अवस्था है तो शैशवा अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक जो है शैशवा अवस्था होता है। शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्या है दोस्तों? वृद्धि की बात होती है। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? किस उम्र में करते हैं दोस्तों? 2 वर्ष की उम्र में। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? इसमें अल्फ्रेड बीने, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं, 73 में पूछ रहा है, भाषा यह मूल्य का एक साधन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाषा जो है यह मूल्य का एक साधन है।
शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास किससे होता है दोस्तों? तो किससे होता है? क्रियात्मक विकास से होता है। 74 का ए हो जाएगा। 75 में पूछ रहा है, प्रथम 4 सप्ताह होने वाली शिशु मृत्यु का क्या कारण होता है? श्वास रोधी होता है, जन्मजात असमता होते हैं, संक्रमण इनके कारण ही होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन होता है। तो दोस्तों 76 का क्या हो जाएगा? 76 का डी हो जाएगा, प्रतिरक्षी, क्योंकि यह प्रतिरक्षी होता है। किस उम्र के बच्चों के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम नवजात शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं, अस्पताल में प्रसव करने से क्या हानि है? अस्पताल में पूछ रहा है कि प्रसव कराने से क्या हानि है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नर्स की अत्यधिक व्यवस्था से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है। अस्पताल में प्रसव कराने का जो है यही जो है दोस्तों हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 79वीं क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणे के प्रयोग से शिशु को हो सकता है, तो क्या हो सकता है दोस्तों? माइक्रोसेफालिस, सेफाली जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता पिता के रक्त में पोषण मिलता है, तो वह क्या है दोस्तों? गर्भनाल से ही मिलता है। कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता है, तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों को स्रावित करता है। 82 चलते हैं, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं? तो किसके कारण होते हैं दोस्तों? मक्खी के कारण होते हैं। पुष्टिकर पदार्थ क्या है? पुष्टिकर पदार्थ जो है दोस्तों ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं, जब ध्वनि ग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूप ग्राम बनता है। जहाँ ध्वनि ग्राम होते हैं तो वहाँ पर भाषा बनने वाले ध्वनि होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना, पैर की उंगलियों को पंखे के समान जो है फैलाना है, तो क्या है दोस्तों? यह है सहज क्रिया है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं, मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है, तो क्या है दोस्तों? इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं, शिशु को खसरे का टीका इस उम्र में लगाया जाता है, किस उम्र में लगाते हैं दोस्तों? 9 माह के बाद ही जो है खसरे का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं, एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है, किनके द्वारा सीख सकता है दोस्तों? परीक्षण एवं त्रुटि विधि से, नकल करना और प्रशिक्षण, इन सभी के कारण कर सीख सकता है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है, ठीक है दोस्तों, बॉडी मेटाबॉलिक रेट जिसको हम बोलते हैं 89 का, किससे होता है दोस्तों? पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR होता है, अधिक होता है स्त्री के मुकाबले में पुरुषों में। मैरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है, क्यों होता है? तो यह दोस्तों कमज़ोर होता है, इसीलिए जो है चिड़चिड़ा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PTA की भी क्लास शुरू हो चुकी है, आप लोग जितनी भी ANM बहने हैं, लेखपाल, फार्मासिस्ट, अन्य अभ्यर्थी सभी लोग जो है जुड़ जाएं। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, तो किसमें होता है दोस्तों? उबालने पर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? तो कौन सा कार्य करते हैं दोस्तों? शारीरिक कार्य करते हैं, सामाजिक भी कार्य करते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कार्य करते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं, ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट का, पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएँ होती हैं? तो 93 का ए हो जाएगा दोस्तों, 3.5 जो होता है दोस्तों इसमें साधारण नमक होता है, सोडा बाइकार्बोनेट 2.5 होता है, और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 1.5 होता है। 3.5, 2.5, 1.5 दोस्तों, इतना आप जो है एक एक घटाते रहिएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? हड्डी की संरचना, यह भी सही है 94 का, हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, यह भी सही है दोस्तों, रक्त का जमाना, ये भी सही है, झिल्ली की परंपरागतता, यह भी सही है, द्रव संक्रमण संतुलन बनाना, ये गलत है दोस्तों, यानी आपका जो है ये वाला गलत है, बाकी ये चारों सही हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे, शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? क्वेश्चन नंबर 95,
तो कौन काम करता है दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी करता है। एक परामर्श एक है, 96वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्वेश्चन 97 पे चलते हैं, प्रभावी परामर्श के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रभावी परामर्श के लिए दोस्तों प्रार्थी के साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहिए, धैर्य रखें, शिकायतों को ध्यान से सुनना, यह सभी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात हो रही है, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों, दिवस से भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के लिए कार्य करती, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा दोस्तों, यूनिसेफ, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं, UNFPA के आंकड़े के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के तहत लैंगिक समानता सूचकांक कितनी है, कितनी है दोस्तों, 0.98, ऑप्शन ए हो जाएगा। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन आज मैंने आप लोग को करा दिया है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, मैराथन क्लास चल रही है, आप लोग फटाफट जो है सभी कुछ तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।